हेलो फ्रेंड्स, मैं दर्शी भावसार, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज कोलेस्लो सैंडविच। बहुत ही टेस्टी, यम्मी, डिलीशियस, क्रीमी, रिच इन टेस्ट सैंडविच बनाने जा रहे हैं हम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाए। तो चलो देखते हैं वेज कोलेस्लो सैंडविच। कोलेस्लो सैंडविच के लिए हमने यहाँ पे थोड़ी सी कैबेज को ग्रेट कर लिया है, लगभग एक कप जितनी है, और इसको मैंने ठंडे पानी से अच्छे से वॉश करके रखा है। ये कोल्ड सैंडविच होती है इसलिए सारे इंग्रेडिएंट्स ठंडे होने चाहिए। ये मैंने एक छोटा सा कैप्सिकम ग्रेट कर लिया है, ये लगभग 1/4 कप जितना है। 1/2 कप जितना कैरेट है, 1/4 कप जितनी ओनियन है, इसको मैंने स्लाइस कर ली है, बारीक स्लाइस कर ली है। इसमें हम मिलाएंगे 1/4 कप एगलेस मेयोनीज, 2 स्पून फ्रेश क्रीम। एकदम क्रीमी और रिच टेस्ट आएगा क्रीम डालने से इसमें। मेयोनीज के साथ फ्रेश क्रीम का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लगता है, बच्चों को इसका टेस्ट बहुत पसंद आने वाला है। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, सॉल्ट डालते समय हमें ध्यान रखना है कि मेयोनीज में सॉल्ट होता है, तो हमें सिर्फ सब्जियों के माप के हिसाब से ही सॉल्ट डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। और ब्लैक पेपर पाउडर, आप चाहो तो इसमें व्हाइट पेपर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसको ज्यादा हिलाना नहीं है, वरना हमने जो सॉल्ट डाला है उसके कारण हमारी कैबेज पानी छोड़ने लगेगी। अभी इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये सैंडविच कोल्ड सैंडविच भी कहलाती है और ये ठंडी बहुत बढ़िया लगती है, तो इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आधा घंटा हो गया है, हमारा स्टफिंग रेडी है, अभी हम इसकी सैंडविच बना लेंगे। इसके लिए मैंने ब्रेड स्लाइस के चारों स्लाइस कट कर लिए हैं। आप कोई भी ब्रेड स्लाइस यूज कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, मैंने यहाँ पे टूटी फूटी ब्रेड लिया है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। थोड़ा सा मेल्टेड बटर अप्लाई कर लेंगे दोनों स्लाइड्स पे। मिश्रण को अच्छे से लगा लेंगे इस पे। और दूसरा स्लाइड्स इस पे रख के इसको हम कट कर लेंगे। इसको बीच से कट कर लेते हैं और मेरी सैंडविच बनके रेडी है। बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। इसी तरह हम दूसरी सैंडविच भी बना लेंगे। कोलेस्लो सैंडविच बनके रेडी है। मेरी चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए,
लाइक का बटन भी दबाइए और कमेंट्स भी लिखिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।